क्या क्या सर? अरे क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? क्या नहीं समझा? जिन किसी ने पढ़ा उनको क्या नहीं समझा इस चैप्टर में? सर, जो मायोसिस है वो अच्छी तरह से समझ नहीं आया। ओके, बढ़िया। क्या नहीं समझा उसमें? और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्या गलत है क्वेश्चंस? सर वो मियोसिस का क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहा, उसमें पहुंचेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बस उसका नहीं बना। नहीं तो कौन सा क्वेश्चन डाउट था? सर उसमें है ना लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, उसका क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो उसका क्वेश्चन नहीं बना, बाकी क्वेश्चन बन गया। ओके, जी तो क्या मेन कंफ्यूजन क्या थे? सर उसमें क्या बोलते हैं, उसमें वो कौन से फेज में क्या होता है, कौन से फेज में क्या होता है, और क्या बोलते हैं उसमें वो बनता है ना सर, वो जो बीच में रिकॉम्बिनेंट होता है वो वाला फेज समझ नहीं आया। हाँ चलेगा। तो इसमें यही एमसीक्यू इसी तरह से पूछते हैं, इस स्टेज में क्या होगा, उस स्टेज में क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ये किस स्टेज में पाया जाता है, इसी तरह से। तो कल तक तो हमने वो दो चीजें देखी थी, इंटरफेज और माइटोसिस एनिमल सेल में, 24 घंटे लग जाते हैं एक सेल से दूसरा सेल बनने में। फिर दूसरा देखा था, फिर G1 फेज, S फेज और G2 फेज, साथ में G0 फेज भी देखा, जो G1 फेज के बाद। फिर देखा कि जीवन में तो क्या होता है कि माइटोसिस से लेके, माइटोसिस जब खत्म हो गया, दो सेल डिवाइड हो गया, उसके बाद वो नई सेल है, वहां से लेके उस सेल में डीएनए रिप्लिकेशन जो है वहां तक जो स्टेज है वो जी वन फेज। दूसरा एस फेज क्या है, जब एक्चुअली डीएनए रिप्लिकेट होता है, दो दो न्यूक्लियस रहते हैं, या अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम नंबर बढ़ जाते हैं, अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम नहीं, क्या बढ़ जाता है, दो दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो ये है एस फेज। और उसके बाद तीसरा है, जब बहुत सारे नए नए प्रोटीन बनते हैं, ताकि जब दो सेल डिवाइड हो तो उसमें सफिशियंट अमाउंट में प्रोटीन रहे, ये हो गए तीन उसके फेज। और G0 फेज मतलब जब G1 फेज के बाद कोई भी सेल डोरमेंट हो जाता है, G0 फेज में चले जाता है, क्वेश्चन फेज या इनएक्टिव स्टेज, ये है G0 फेज और G1 फेज के बाद होता है। देखेंगे M फेज, एम फेज जो है वो अब तक देखा इंटरफेज, इसमें कुछ कुछ लेवल पे चेंज है। और ये भी देखा अपन ने कि मान लो अगर 24 घंटे की बात करेंगे तो 23 घंटे कोई भी सेल इंटरफेज में रहती है, खुद को प्रिपेयर करती रहती है पूरे डिवीजन के लिए, लेकिन एम फेज में कितना रहती है, 1 घंटा, अगर 24 घंटे में डिवाइड होती है तो उसमें। तो एम फेज में होता क्या है, तो एम फेज में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो सेल के जितने भी कंपोनेंट है, इधर उधर की चीजें, उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर से अलग से वो रीऑर्गेनाइज होते हैं। सिंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पैरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। अब ये एम फेज या माइटोटिक फेज में, क्योंकि पेरेंट और प्रोजनी मतलब जो पेरेंट सेल है और बच्चे वाली सेल है, उन दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं।
तो माइटोसिस का स्टेज जो है वो चार स्टेजेस में है, लेकिन चार स्टेज किसके? फोर स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। और इसमें साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। माइटोसिस के जो स्टेजेस है उसमें जो है चार स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन के जो चार चार स्टेज है उसको होता है। तो माइटोसिस जो है चारों स्टेज में किसके बेसिस पे डिवाइडेड है? फोर स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये भी सवाल आ सकता है कि माइटोसिस में क्या होता है? फोर स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं है, फोर स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है। इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेज। तो ये क्या है? एक श्रृंखला है, इससे वो होगा, उससे होगा, उससे वो होगा, जैसे कोई पिक्चर चल रही है, ठीक है, या जैसे हमारा खाना वाना बन रहा है कि पहले दाल और चावल को हमने मिक्स किया, फिर उसके बाद उसको भिगो के रखा, या पहले दाल चावल को भिगो के रखा, फिर उसके बाद उसको मिक्स किया, फिर उसके बाद उसको थोड़ा फूलने दिया, फर्मेंट होने दिया, फिर फर्मेंट होने के बाद फिर हमने उसका इडली बनाया, फिर सांबार अलग से बनाया और उसको खा लिया। अब जो चावल है और इडली है, या दाल है और इडली है, अब उसको देखो कितना अलग अलग दिखता है, अलग अलग टेस्ट है और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बदल गया है। तो है एक ही चीज लेकिन अलग अलग स्टेजेस में। कौन से स्टेजेस देखे हमने? तब से ले दाल और चावल को हमने भिगो के रखा, एक स्टेज है, उसके बाद वो फूल गया दाल और चावल, तो उसके बाद क्या किया हमने? उसको 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद उसको मिक्सर में पीस लिया। फिर उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद हमने उसको वैसे ही रहने दिया ताकि वो फर्मेंट हो जाए थोड़ा सा, वो हो गया। और फर्मेंट होने के बाद फिर हमने क्या किया, वो जो भी उसका स्टैंड है, साचा है, उसमें इडली या डोसा या ऐसा कुछ भी बनाया। तो जो इनिशियल चावल और दाल थी वो टोटली अलग है जो अभी इडली हमको मिल रही है हमारे प्लेट में। तो चीज एक ही है लेकिन ये उसके अलग अलग स्टेजेस है। तो क्या क्या स्टेजेस? एम फेज के स्टेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। PMAT, प्रो, मेटा, एना और टेलोफेज। तो हर स्टेज में क्या क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है और इसके भी किसके बाद शुरू होती है? एस और G2 फेज के बाद। तो एस और G2 फेज में हमने क्या देखा कि नया डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवेंट। एस और G2 फेस में देखा है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं नए, वो ऐसे कुछ मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरबिंड है, अलग अलग नहीं है। तो एस और G2 फेस में जो भी नया डीएनए मॉलिक्यूल बना है, क्योंकि क्या है हमने देखा है कि ये डीएनए डबल हो गया, रेप्लिकेट हो गया है, तो लेकिन ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, ये अभी भी दो अलग अलग डीएनए नहीं है, एक ही इसमें इंटरविंड है, मतलब एक ही इसमें वो क्या कहेंगे, जाले के जैसे फंसे हुए हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज जो है उसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो क्रोमोसोमल मटेरियल जो है, क्रोमोसोम मटेरियल मतलब ये डीएनए जो भी न्यूक्लियस और डीएनए, इसके इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब एक जगह जमना शुरू हो जाता है। तो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, तो ये एक जगह जमना शुरू हो जाता है। क्या जमना शुरू हो जाता है? क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो ये जब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है, ये क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैंगल्ड होना शुरू होते हैं।
तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है तुमको ये डायग्राम की अनटैंगल मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए, मान लो बहुत सारे धागे एक दूसरे से जुड़े हुए, तो अनटैंगल होना मतलब ये एक एक धागा अलग अलग होना ताकि वो हर एक धागे को हम अच्छे से देख सके। तो ये है अनटैंगल कि एक एक धागा अलग अलग हो जाना। तो जैसे अर्ली प्रोफेस में देखोगे तो वो क्रोमोजोम थोड़े से अलग अलग है, लेट प्रोफेस में और प्रॉपरली हमको समझ में आ रहे हैं। तो ये हो गया अनटैंगल्ड होना, नहीं तो फिर इससे पहले प्रोफेस में कैसे रहे होंगे। तो प्रोफेस में मान लो ये हमारा सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो ऐसे किसी भी तरह से एक दूसरे में फंसे हुए होंगे, कुछ भी नहीं समझेगा, किसी भी तरह से फंसे। तो ये है टैंगल्ड और ये है अनटैंगल्ड। तो क्या है प्रोफेस का सबसे मेन फीचर कि इसमें जो क्रोमोसोम या ये मटेरियल है अपना, ये इनिशिएशन ऑफ क्या कहेंगे अनटैंगल्ड ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। हाँ, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो इसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल है जो पहले अलग अलग बिखरा पड़ा था, अब वो कंडेंस हो रहा है, इसका इनिशिएशन शुरू हो गया और क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन जब होता है तो क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैंगल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद द सेंट्रोसोम, जो दो साइड में हमने देखा सेंट्रोसोम ऊपर ऊपर में, अभी और देखेंगे डायग्राम में, द सेंट्रोसोम व्हिच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। तो हमने फिर से देखा दूसरा चीज कि एस फेज में इंटरफेस में क्या होता है, सेंट्रोसोम दो हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं, जितना भी हो उससे डबल हो जाते हैं। सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पेयर ऑफ द सेल। तो सेंट्रोसोम जो एस फेज में बने थे इंटरफेस में, तो फिर मतलब क्या सवाल क्या आएगा, सेंट्रोसोम किस फेज में बने हैं, तो एस फेज में ऑफ इंटरफेस। तो ये सेंट्रोसोम कहाँ पे अपोजिट पोल के तरफ मूव होना शुरू होते हैं। कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन थस बी मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। तो अभी सेंट्रोसोम दो अलग अलग पोल्स पे आ गए हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, ईस्ट पोल वेस्ट पोल होगा, तो वैसे सेंट्रोमियर अलग अलग पोल्स पे जाते हैं। तो अब कब बोलेंगे, जब की प्रोफेज शुरू होके मतलब अभी खत्म हो रहा है, जब क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिन अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। पहला क्या है, क्रोमोसोम जो मटेरियल है वो कंडेंस हो गया, एक जगह पे जम गया, जैसे दही जमती है वैसे एक जगह पे जम गया। और दूसरा क्या है कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है या फिर क्रोमेटिड जो है वो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड, और किससे जुड़े ये टू क्रोमेटिड एक दूसरे से, सेंट्रोमियर। ये पहला चीज है, जब हमको पता चलेगा कि हाँ प्रोफेस हो गया। प्रोफेस हो गया मतलब क्या, कंडेंस हो गए क्रोमोसोमल मटेरियल। दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़ गए। फिर उसके बाद क्या है, सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस। जो सेंट्रोसोम जो है जो इंटरफेस के टाइम पे डुप्लीकेट हो गए थे, ये बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूबुल कॉल्ड एस्टर्स, द टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है प्रोफेस का,
कि जो सेंट्रोसोम है जो एस फेज में डुप्लीकेट हुए हैं वो अलग अलग पोल की तरफ जाते हैं, उस पोल पे पहुंच के वो माइक्रोट्यूब्यूल या एस्टर्स ये बाहर भेजते हैं, और ये जो एस्टर्स है द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर, एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर ये क्या बनाते हैं, माइटोटिक एपरेटस। अगर ये दिख गया जब भी सेल माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो तुमको ये दिखा कि क्रोमेटिड बन गया सेंट्रोसोम मेयर से जुड़े हैं या सेंट्रोसोम जो है वो पोल्स पे मुड़ गया है और एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर ये उसमें से निकल रहे हैं सेंट्रोसोम से, तो समझ जाना कि वो प्रोफेज चल रहा है या प्रोफेज खत्म हो गया। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. तो prophase के end में जब हम किसी सेल को देखते हैं तो उसमें क्या क्या नहीं दिखता है, Golgi complex नहीं दिखता है, ER endoplasmic reticulum नहीं दिखता है, nucleolus नहीं दिखता है और nuclear envelope नहीं। फिर अगर सवाल आया कि गॉल्गी कॉम्प्लेक्स किस किस में दिखता है, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स किस किस में नहीं दिखता, दिखने की बात है नहीं उस पर, तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स किस किस में नहीं दिखता, ए प्रोकैरियोटिक सेल, बी यूकैरियोटिक सेल, सी प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, और डी डी बोथ ए एंड सी। आंसर आएगा बोथ ए एंड सी में, प्रोकैरियोटिक सेल में वैसे भी गॉल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में गॉल्गी कॉम्प्लेक्स और दूसरा गॉल्गी कॉम्प्लेक्स किसमें दिखता नहीं है, तो प्रोफेज केस में गॉल्गी कॉम्प्लेक्स दिखता नहीं। क्या क्या नहीं दिखता है प्रोफेज केस में, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स अलग से नहीं दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से दिखता नहीं है, न्यूक्लियोलस अलग से दिखता नहीं है और न्यूक्लियर एनवेलप भी अलग से दिखता नहीं है, इसलिए हमने बोला था कि ये प्रोफेज में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनाइज होता है, सेल ऑर्गेनाइज के जितने भी चीजें हैं वो रीऑर्गेनाइज होती है, अलग अलग हो जाती है, अलग अलग मतलब जैसे नॉर्मल सेल है उसमें जो भी दिखता है सेल ऑर्गेनाइज यहाँ पे है ये है वो है वैसा नहीं दिखता, अलग दिखता है कुछ से, क्योंकि उसमें बदलाव आ रहा है, वो चेंज हो रहा है या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, ये सब चल रहा है। तो क्या क्या मेन फीचर है प्रोफेज के, कि कंडेंस इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम जो कंडेंस होना है, मैंने दिखाया था वो डायग्राम डॉल करके उसमें नॉन कंडेंस था, कैसे भी धागे इधर उधर लगे थे लेकिन अब ये कंडेंस हो रहे हैं, लाल धागा एक के साथ आएगा, येलो धागा एक के साथ आएगा, पीला धागा एक के साथ आएगा, इस तरह से कंडेंस हो रहे हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट जो पोल्स है वहां चले जाते हैं, वहां से वो माइक्रोट्यूबुल्स स्पिंडल फाइबर से एस्टर्स बोलते हैं उसको, और फिर वो बनाते हैं माइटोटिक एपरेटस। तो ये जो तीसरा डायग्राम तुमको दिख रहा है ना, थर्ड वन, तो ये उसमें देखो वो सूरज जैसा कुछ तो दिख रहा है, ये है माइटोटिक एपरेटस, ये सेंट्रोसोम है, फिर वहां से ये माइक्रोट्यूब्यूल और ये वाले ये जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल फाइबर से ये ऐसे सब निकल रहे हैं, इसमें से कर रहे ना सब रे, तो ये सब क्या है, ये है माइटोटिक एपरेटस। दूसरा है मेटाफेज, मेटाफेज का क्या चीज है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो न्यूक्लियर का एनवेलप है, देखो अभी सेकंड वाले डायग्राम है उसमें न्यूक्लियर का एनवेलप जो है वो बीच बीच में टूट रहा है, कंटिन्यूस नहीं, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा हुआ दिख रहा है, यहाँ से टूटा हुआ दिख रहा है, यहाँ से, तो न्यूक्लियस का एनवेलप जो है वो अलग अलग जैसे टूट रहा हुआ दिख रहा है। तो मेटाफेज की शुरुआत कैसे बताएंगे कि हाँ मेटाफेज शुरू हो गया,
तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो पूरा ही गायब हो गया। तो न्यूक्लियर एनवेलप जब डिसइंटीग्रेट हो गया, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, इसका मतलब क्या हो गया है कि सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस शुरू हो गया। हेंस द क्रोमोसोमल स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो अभी क्या हो गया फिर, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया। अभी मान लो तुम्हारा घर है और बाजू में और एक घर है, या फिर एक बड़ा हॉस्टल है और उसमें तुम्हारी रूम है। अब तुम्हारे रूम की दीवारें गायब होगी तो क्या होगा, मतलब सारे हॉस्टल की दीवारें गायब होगी तो क्या होगा, सारे बच्चे बड़े डॉर्मेटरी में रहेंगे क्योंकि दीवारें गायब हो गई, अलग अलग रूम थे वो रूम नहीं रहे। तो इसी के जैसे जब न्यूक्लियर ये जो एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डिसइंटीग्रेट होगी तो क्या होगा, अभी सारा क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गया। पहले तो सिर्फ न्यूक्लियस में था, अब वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैल गया। By this stage, condensation of chromosomal is completed and they can be observed clearly under microscope. अभी इस stage तक chromosome का condensation, मतलब एक जगह पे chromosome का सारा material आ जाना, ये हो गया है और उसको easily microscope से देख सकते हैं। अब उस टाइम पे मेटाफेज में क्रोमोसोम क्या है, दो सिस्टर क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। अभी दो सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर का है, बार बार आ रहा है, तो ये है सिस्टर क्रोमेटिड, ये है सेंट्रोमियर और ये फिर से है सिस्टर क्रोमेटिड। कितने सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, दो, ये ऊपर के ये एक और ये नीचे के दो, दो सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये है हमारा क्रोमोसोम। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। तो जो सेंट्रोमियर है बीच वाला, उसमें छोटे से डिस्क शेप सरफेस रहते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये डिस्क सरफेस हमने बनाया, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जो स्पिंडल फाइबर है सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोसोम से जो ये वाले स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं ना, ये सेंट्रोमियर को किस पे अटैच होते हैं, किस जगह पे, काइनेटोकोर। तो जहाँ जिस जगह पे अटैचमेंट होता है उसका नाम है वो काइनेटोकोर। तो डिस्क जगह रहती है किसमें, सेंट्रोमियर में। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर दैट कैन मूव इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। अभी धीरे धीरे जो सारा सेंट्रोसोम है या सेंट्रोमियर है और ये कंडेंस क्रोमोसोम है, ये नियर अबाउट सेंटर ऑफ सेल के पास आ जाते हैं और जिस जगह पे फिर ये स्पिंडल फाइबर इसको जुड़ते हैं सेंट्रोमियर को, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। Hence, the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore through spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. तो अभी इसमें मेटाफेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है अभी, कि ये सारा जो कंडेंस क्रोमोसोम है वो नियर अबाउट इक्वेटर पे आ गया। ये देखो लास्ट इसमें ये बीच में आ गया, इक्वेटर पे बीच में आ गया। और फिर क्या हो गया, इसका जो एक साइड है क्रोमेटिड का वो किसको अटैच है, इधर के सेंट्रोसोम को, और उसका दूसरा साइड जो है उसी चीज का दूसरा साइड है, उसी सेंट्रोसोम का दूसरा साइड है, वो किसको अटैच है, स्पिंडल फाइबर ऑफ द अपोजिट पोल का सेंट्रोसोम। तो इस सेंट्रोसोम के स्पिंडल फाइबर इस पार्ट को अटैच है, इस काइनेटोकोर को, और वही
उसका जो अपोजिट है वो कहाँ अटैच है, अपोजिट वाले सेंट्रोसोम को, इसके माध्यम से, स्पिंडल फाइबर के माध्यम से। तो इसमें फिर इसका पोजिशन, इसका मेन चीज क्या है कि ये इक्वेटर पे आ गए, एक क्रोमेटिड जो है वो स्पिंडल फाइबर ऑफ वन पोल ऑफ सेंट्रोसोम से अटैच है, और दूसरा क्रोमेटिड है। तो जो दो दिख रहे हैं वहां पे, एक क्रोमेटिड इधर से अटैच है, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेसिस रेफर्स टू मेटाफेस प्लेट। अब ये प्लेन जो है ये, इसको बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। द की फीचर ऑफ मेटाफेसिस मेटाफेस आर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। तो मेटाफेस का की फीचर क्या है कि काइनेटोकोर जो है, जो जगह है क्रोमोसोम की, वहां पे क्या जुड़ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर। दूसरा क्या होता है मेन फीचर मेटाफेस का कि क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, और फिर मेटाफेस प्लेट के थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ पोल से जुड़ जाते हैं। तो भी ये जो प्लेन है, ये वाला एक प्लेन ये है, इसको बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। तो इक्वेटर के पास सब जुड़ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर से ये काइनेटोकोर जुड़ जाते हैं, और ये है मेटाफेसिस। तो मेटाफेस में सबसे मेन चीज क्या है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर्स पे जुड़ गए, और दूसरा है इक्वेटर पे आ गए सारे क्रोमोसोम, और एक मेटाफेस प्लेट बना दिया जिसके जो किससे जुड़ा है, स्पिंडल फाइबर ऑफ टू बोथ द पोल्स। प्रोफेज में दिख गया क्या हो रहा है और मेटाफेस में दिख गया क्या हो रहा है। अब तीसरा एनाफेस। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेस ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेस प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली। हर एक क्रोमोसोम जो मेटाफेस प्लेट पे जुड़ा है वो दो भागों में टूट जाता है, एंड टू डॉटर क्रोमेटिड जिसको डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं बिगिन्स योर माइग्रेशन टूवर्ड्स द टू अपोजिट पोल। अब जैसे वो बीच बीच में वो इक्वेटर प्लेट पे चार क्रोमोसोम दिख रहे हैं यहाँ पे, वो दो दो भागों में टूट जाते हैं, और जिस साइड में उस साइड के पोल पे जाने लगते। तो सेंट्रोमियर से बीच में से टूटते हैं वो, तो भी वी शेप के हो गए। तो फिर अब जो सेंट्रोमियर है वो पहले खींचा जाता है एक पोल पे, इसलिए उसको बोलते हैं कि लीडिंग एज, और बाकी जो है उसके आर्म्स हैं। दस एनाफेज इज कैरेक्टराइज बाय सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। तो ये तुमको अभी ऊपर का एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ये सब जुड़े हुए हैं सेंटर में जो है, देखिए क्रोमोसोम। अब क्या हो गया, क्रोमोसोम के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक साइड के सेंट्रोमियर के पास गया, दूसरा टुकड़ा दूसरे। तो वो जो बीच में जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर भी वो दो दो टुकड़े हो गए, और उसको दोनों अटैच क्या है, क्रोमेटिड्स। तो अभी सेंट्रोमियर के दो टुकड़े हो गए, और दूसरा क्या है, हर एक टुकड़ा जो है क्रोमेटिड जिसको बोलेंगे, ये अब अलग अलग पोल की तरफ चला गया। तो एक क्रोमेटिड जो रेड वाला है वो नॉर्थ पोल पे चला गया, मतलब तो नॉर्थ और साउथ तक होगा, तो और दूसरा साउथ पे गया। फिर तो ब्लू वाला भी टूटा। ये सब टूटते कहाँ पे है, स्प्लिट कहाँ पे होते हैं, सेंट्रोजोम सेंट्रोमियर पे। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए जिसकी वजह से क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, और दूसरा है क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो एनाफेस का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेस, फिर बचा गया टेलोफेस। तो एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टेलोफेस,
जब टेलोफेज शुरू होता है, क्रोमोसोम दैट हैज रीच देयर रिस्पेक्टिव फोल्ड डी कंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नॉट बी सीन थ्रू द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स. This is a cell which shows the following behaviors. Chromosome clusters at opposite spindle pole and their identity is lost at this case element. Nuclear envelope developed around the chromosome cluster at each pole forming two daughter nuclei, nucleolus, Golgi complex and AR ring form. अब टीलोफेज में क्या होता है? अब ये दोनों साइड में क्रोमेटिड दिख रहे हैं ना, ऊपर के एनाफेज में देखो सी वाला डायग्राम, क्रोमेटिड सेपरेट दिख रहे हैं, कंडेंस फॉर्म में दिख रहे हैं, डीएनए पूरा कंडेंस हो गया है एक एक क्रोमेटिड में, हम अच्छे से देख सकते हैं इसको. अब टेलोफेज में क्या होता है? डीकंजेशन होता है, मतलब ये जो अलग अलग दिख रहे हैं अच्छे से क्रोमोजोम, अब ये डीकंडेंस हो जाते हैं, मतलब फिर से अलग अलग धागे जो है वो एक दूसरे में जुड़ गए या मिक्स हो गए, अब हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ये है डीकंडेंसेशन. तो डीकंडेंस हो जाते हैं और जो अपना इंडिविजुअल अलग अलग क्रोमोसोम दिख रहे थे ना, ये क्रोमोसोम ब्लू वाला, ये क्रोमोसोम रेड वाला, तो ये अपने अपने इंडिविजुअलिटी खो देते हैं और फिर से कैसे भी ये इंटरविंड तरीके से अभी रह रहे. लेकिन इसमें एक चीज है कि दो हो गए, दो पोल्स के तरफ अलग अलग क्रोमोसोम आए, तो ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये दो भाग में अभी डिवाइड है. और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके ऊपर आ गई. अभी तक देखो ऊपर वाले सी डायग्राम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दिख रही है, एनाफेज में नहीं, तो वो फर्स्ट फेज जो है प्रोफेज में जो गई वो गायब नहीं, आया नहीं वापस. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या आपको इसमें? तो हाँ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू री अपीयर ऑन द क्रोमोसोमल क्लस्टर. और तीसरा है जो फर्स्ट फेज में न्यूक्लियोलस, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गायब हो गया था, ये फिर से दिखना शुरू हो जाता है. तो ये है टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज. तो इस तरह से ये अलग अलग चीजें हर एक फेज में होती है. अब लास्ट तो ये क्या है, ये चार चीज क्या है? कैरियोकाइनेसिस. इसमें सिर्फ न्यूक्लियस या क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल का डिवाइड का हमने देखा है. अब उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस. अभी क्या हुआ? सिर्फ न्यूक्लियस दो टुकड़ों में बटा. अब उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस. माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लिया बट cell itself is divided into two daughter cells by separation of cytoplasm. तो जब cytoplasm separate होता है, देखो ऊपर में देखो telophase case में एक ही cell है, लेकिन nucleus दो है, centromere उधर दो है, बीच में एक constriction बन रहा है. अब वो बीच वाला जो constriction है वहां से cell टूट जाती है. अब नीचे देखो क्या बन गया, दो cell बन गए जो उसी के जैसे है, और उसमें nuclear envelope है, Golgi complex है, centromere, centrosome है और बाकी सारी चीजें. तो इस तरह से एक सेल से दो सेल बन गए. पहले डिवाइड हुआ क्रोमोसोम से न्यूक्लियर मटेरियल, और उसके बाद एक बार न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो चुके हैं तो अभी क्या डिवाइड हुआ? साइटोप्लाज्म. एनिमल सेल में जो ये फरो है, ये बीच में जो फरो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये और डीप होते जाता है और फिर तो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है एनिमल सेल. प्लांट सेल आर हाउएवर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म. तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट मैकेनिज्म से होता है क्योंकि सेल वॉल का प्रेजेंस है. इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर. प्लांट सेल में जो वॉल फॉर्मेशन है वो सेंटर में शुरू होती है बनना. Formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor called cell plate. तो plant में एक plant cell में एक cell plate रहती है, वहाँ पे
अचानक नया वॉल बनना शुरू हो जाता है सेंटर में, और एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन अराइज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिया। तो भी एक जानवरों के सेल में ये होता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, क्रोमोसोम बदल जाते हैं, क्रोमोसोम ये अपने साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाते हैं और दो सेल बन गए डॉटर न्यूक्लियर। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल के बाहर एक सेल वॉल भी होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं हो पाती उसमें, इस तरह का साइटोप्लाज्म नहीं हो पाता है जिसमें दो दो टुकड़े होते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, पहले से ही प्लांट सेल के अंदर एक सेल प्लेट रहती है, तो जैसे ही प्लांट में साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो सेल प्लेट बड़ी हो जाती है और वो सेल जो प्लांट सेल है उसको खुद ही दो भागों में बांट देती है, और फिर वहां पे बराबर रूप में डीएनए मटेरियल भी आ गया और दूसरा बराबर रूप में उनके पास पैसे भी, मतलब उनके पास ये भी आ गए, बराबर रूप में साइटोप्लाज्म के चीजें आ गई। तो बराबर रूप में डीएनए भी आ गया, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल भी आ गया, और बराबर रूप में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म की जो है वो भी बराबर रूप में बांट दी गई। तो ये प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में ये किससे होता है, सेल प्लेट से, साइटोकाइनेसिस। फिर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसमें क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस जो है वो हमेशा, मतलब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, तो उसको क्या, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कुछ कुछ सेल बन जाते हैं जिसमें जो हमारा न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लियस है। जैसे अभी ऊपर वाला जो टीलोफेस वाला सेल है, इसमें देखोगे कि सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियस दो है। अगर मान लो ये डिवाइड ही नहीं हुआ तो क्या होगा, सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस दो है, तो वैसी एक स्टेज आ जाती है। जैसे कि कोकोनट जो है, जो हमारा नारियल है, उसमें लिक्विड इंडोस्पर्म भी रहता है। जब नारियल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे एक ही सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लियेटेड है। तो ये हमारा खत्म हुआ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस से क्या सिग्निफिकेंस है, फायदा क्या है? तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और ये डिप्लॉइड सेल में ही रिस्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन हमने बोला देखा था कल एक्सेप्शन था हनी बी का, जो हैप्लॉइड है लेकिन फिर भी उसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या मेंटेन हो गया कि जितने क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में उतने क्रोमोसोम, मतलब वही सेम डीएनए मटेरियल, वही सब क्या कहेंगे उसको, साइटोप्लाज्म चीजें, वो सारी की सारी सेम रेप्लिकेट होती है डॉटर न्यूक्लियस में। However, in some lower plant and some social insect, haploid cell also divide by mitosis. हमने देखा कि कुछ lower plant में और insect में mitosis से भी cell division होता है। mitosis से diploid daughter cell बनते हैं जिनका genetic कम जो material है वो identical रहता है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो माइटोसिस से होती है। जैसे मेरे शरीर में पहले भी मैं बच्चा होगा तो 10,000 सेल होंगे, अभी वो 10,00,000 होंगे, तो ये माइटोसिस से वो सेल ग्रो होते रहते हैं, इसलिए मेरी ग्रोथ हो रही। माइटोसिस से सबसे मेन चीज क्या होती है, सेल रिपेयर। तो मान लो किसी जगह पे सेल को इंजरी हो गई है, मसल को इंजरी हो गई, कहीं और इंजरी हो गई, तो वहां पे अगर नया सेल नहीं बना तो वो घाव भरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, इसलिए माइटोसिस क्या करते रहता है ऐसी जगह पे ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा, जब सेल ग्रोथ हो रहा है या सेल का इंजरी हो गया उस टाइम पे वो रेप्लिकेशन करता है ताकि एक सेल से दूसरे सेल बने और जहां जहां पे जरूरत है वो सेल जाके जुड़ जाए। तो हमारा जो अपर लेयर है एपिडर्मिस का, फिर लाइनिंग ऑफ गट और ब्लड सेल कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं,
तो इसलिए माइटोसिस वहां पे जरूरी है जहां पे रिप्लेस होते हैं, क्योंकि और ज्यादा प्रमाण में सेल जुड़ जाने चाहिए। तो यहाँ पे अपना माइटोसिस खत्म हो गया। मियोसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग बनने हैं, बच्चे बनने हैं, तो उसमें क्या होता है, दो गैमेट्स जुड़ने चाहिए, मेल फीमेल के गैमेट्स, और ये हैप्लॉइड गैमेट रहने चाहिए। तो जैसे ये दो गैमेट जुड़ गए, हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमेट, तो उससे स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल बनती है। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो एक ऐसा प्रोसेस सेल डिवीजन का जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है और हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियर सेल बनते हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल, उस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस में हमने देखा कि सेल डिप्लॉइड ही है, मतलब पहले इसमें भी अगर क्रोमोसोम 46 है तो डॉटर इसमें भी क्रोमोसोम 46 है, लेकिन मियोसिस में डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वो आधे ही बच जाते हैं, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल डिवीजन या मियोसिस। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द सेल साइकिल। तो मियोसिस से हम लोग क्या देखें कि सेल साइकिल जो है उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉइज फेज रिस्टोर रहेगा। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल हो गए, जब दो हैप्लॉइड सेल आ गए स्पर्म और मान लो ओवा के, दोनों भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, तो जब एक एक साथ आएंगे तो फर्टिलाइजेशन जब होगा तब क्या होगा, वो सेल जो बनेगी एक स्पर्म और एक ओवम आने से वो बनेगी डिप्लॉइड, और फिर उसी सेल से पूरा ये ऑर्गेनिज्म बनेगा वो डिप्लॉइड सेल से। तो फिर उसके बाद माइटोसिस होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब सिर्फ वो दो हैप्लॉइड लोग पास में आए और एक डिप्लॉइड सेल बनी, और एक बार ये डिप्लॉइड सेल बन गई तो उसका माइटोसिस होके एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ये बनते रहेगा उम्र भर तक। We have came across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. The key feature of meiosis are follows. तो हम तो फिर meiosis के key feature क्या है? Meiosis involve two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis one or meiosis two. But only a single cycle of DNA replication. तो मियोसिस में डीएनए कितने बार रेप्लिकेट होता है? एक बार। लेकिन मियोसिस में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर जो चीजें है, न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, न्यूक्लियर और सेल डिवीजन, ये कितनी बार होता है? दो बार। तो न्यूक्लियर और सेल डिवीजन दो बार होता है, लेकिन डीएनए कितने बार रेप्लिकेट होता है? एक ही। फिर दूसरा क्या है, मियोसिस वन इज इनिशिएटेड आफ्टर पैरेंट क्रोमोसोम हैव रिप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द स्पेस। तो मियोसिस वन कब शुरू होता है? जब पैरेंटल क्रोमोसोम है वहां उसका रिप्लिकेशन हो जाता है और वो क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द सेट एस फेज। तो मियोसिस में क्या क्या चीजें मेन है? टू सिक्वेंशियल साइकल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन और सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा क्या मेन है कि पैरेंटल क्रोमोसोम जो हैव रिप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज।
मतलब पैरेंटल जो क्रोमोसोम है वो उसका रेप्लिकेशन शुरू हो गया है एस फेज में, और दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिन बन गए। तीसरा मियोसिस में मेन फीचर क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये सबसे मेन चीज है जो माइटोसिस और मियोसिस को अलग करती है, पेयरिंग ऑफ नॉन सिस्टर, ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और दूसरा रिकॉम्बिनेशन। पेयरिंग होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और चौथा है फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस टू, तो चार हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं मियोसिस टू के एंड में। खत्म कर देगा इस चैप्टर को, 2 पेज ही बचे। इस चैप्टर को खत्म कर दे क्या, 2 पेज बचे। जी सर, जी सर। चलो मियोसिस वन, मियोसिस वन में क्या है, अभी प्रोफेज वन। प्रोफेज वन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो माइटोसिस और मियोसिस के जो प्रोफेज है उसमें कुछ अलग है, इसमें मियोसिस का प्रोफेज वन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और लंबा चलता है। और फिर प्रोफेज वन, मियोसिस का प्रोफेज वन किस किस में डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। ड्यूरिंग लेप्टोटिन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल। प्रोफेज वन में हमने देखा था कि कंडेंसेशन हो रहा है न्यूक्लियस का, क्रोमेटिन का, तो वो दिखना शुरू करते हैं। तो लेप्टोटिन में भी यही होता है, स्टेज ऑफ, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और कंडेंसेशन होता है, कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट लेप्टोटिन, दिस इज फॉलोड बाय सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज वन कॉल्ड जायगोटिन। तो लेप्टोटिन स्टेज में क्या होता है, कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो ये है लेप्टोटिन स्टेज। जायगोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टूगेदर। जायगोटिन में होता है क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टूगेदर, मतलब जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस मतलब जो सेम स्वयं क्रोमोसोम है, सेम है एक दूसरे से, सेम सेम है, हमने देखा था ना इससे पहले क्रोमोसोम में, जो तो चैप्टर में पढ़ा था हमने क्रोमोसोम में, कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और लास्ट क्या, टीलोसेंट्रिक। जी सर, कौन से कौन से सेंट्रिक थे रे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक था क्या? हाँ वही सर। हाँ, तो ऐसे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जैसे मेरा क्रोमोसोम नंबर 12 है, तो वो 12 के साथ ही वहां पे जुड़ा रहेगा। मेरा क्रोमोसोम नंबर 13 है, तो उसका एक सेट और दूसरा सेट वो दोनों पास में आ जाएंगे, तो ये बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो बिल्कुल सेम है। क्रोमोसोम 12 है वो 12 के सेम ही होगा ना, तो फिर 12 और 12 बाजू बाजू में आके खड़े हो जाएंगे क्रोमोसोम। तो ये है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयर बन रहे हैं अब क्रोमोसोम 12 के, एक एक जो पार्टनर है वो दोनों एक साथ आके खड़े हो गए, क्रोमोसोम 13 के जो एक एक पार्टनर है वो एक साथ आके खड़े हो गए, तो ये पेयरिंग पेयरिंग शुरू हो गया। तो ये होता है जायगोटिन में कि क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पेयरिंग शुरू हो जाता है, इस दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। पेयरिंग होता है और इस एसोसिएशन को बोलते हैं सिनेप्सिस। ईच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जो जो पेयरिंग, ईच पेयर्ड क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम दूसरे से पेयर्ड हुआ, तो हर एक क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकॉम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स. द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बायवेलेंट और टेट्रैक. हाउएवर दिस आर मोर क्लियरली विजिबल इन द नेक्स्ट स्टेज. द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर्ड टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैचिट. लिप्टिन हो गया और साइगोटिन हो गया. साइगोटिन में क्या देखिएगा, पेयरिंग शुरू हो गई, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आ गए हैं और वो पेयरिंग शुरू हो गई और वो दो ये क्रोमोसोम ने दो दो क्रोमोसोम आ गए पास में और वो एक दूसरे से जुड़ गए तो क्या बना, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स. और उसके साथ क्या बना, बायवैलेंट या टेट्रैड. लेकिन ये इसकी शुरुआत हुई है, ये पैचिटिन में ज्यादा अच्छे से दिखता है. तो पैचिटिन में क्या देखिएगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज फोर क्रोमेटिड ऑफ ईच बायवैलेंट क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट. तो इस स्टेज में चार क्रोमेटिड है जो ए हर एक क्रोमोसोम के अच्छे से दिखते हैं एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्रैड. दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. Crossing over is also an enzyme-mediated process, and enzyme involved is called recombinase. Crossing over lead to recombination of genetic material on the two chromosome. Recombination between homologous chromosome is linked by end of pachytene, leaving the chromosome linked at the site of crossing. तो अभी इनका क्या कहना है? तो zygotene में क्या हो गया? डायग्राम भी होगा ना, बिल्कुल पूरा पढ़ लेते हैं फिर से तुमको अच्छे से बताता हूँ. तो पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो एक क्रोमोसोम में चार क्रोमेटिड रहते हैं, बीच में एक सेंट्रोमियर है और उसके चार पैर है तो चार क्रोमेटिड हो गए. तो ये चार क्रोमेटिड दिखना अच्छे से, इसको बोलते हैं टेट्राहेड. ये किसमें होता है, जाइगोटिन में. और पैचिटिन में क्या होता है, ये जो चार क्रोमेटिड है अलग अलग, अब ये बाजू वाले चार क्रोमेटिड है उसके इससे जुड़ते हैं क्रोमेटिड से, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. मतलब इस क्रॉसिंग ओवर में इधर का जेनेटिक मटेरियल वो क्रोमेटिड में ट्रांसफर होता है थोड़ा थोड़ा पार्ट, और इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होता है, उस वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है. लास्ट उसके बाद स्पेज है डिप्लोटी. बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटी इज रिक्वेस्ट बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. तो ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो गए. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में दिखते हैं, जायगोटिन में. और उसके बाद टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बायवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो फिर ये सेपरेट होना शुरू हो गए क्रोमोसोम एक दूसरे से, एक्सेप्ट क्रॉस ओवर. दिस एक्सेप्ट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैजमाटा. इन ऊसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इयर्स. तो किसी किसी इसमें जो ये डिप्लोटीन है ये बहुत सालों तक रहता है, जैसे वर्टिब्रेट्स के ऊसाइट्स में जिसमें ओवा बनता है फीमेल गैमेट जो है. यहाँ पे एक्सेप्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं कायस्माटा. इसमें क्या होगा, डिप्लोटिन फेज में जो क्रोमोसोम है अलग अलग वो थोड़े दूर हो गए लेकिन उनके बीच का जो क्रॉसओवर है वो बॉन्ड अभी भी जुड़ा है और इसको बोलते, उस जगह को बोलते हैं कायस्माटा. और लास्ट फाइनल स्टेज है मियोटिक फेज डाइकाइनेसिस. इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ कायस्माटा. तो ये जो दो क्रोमोसोम क्रोमेटिड से जुड़े हैं जिसको बोलेंगे कायस्माटा, वो बॉन्ड टूट जाता और वो अलग हो जाते हैं. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन. बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन और डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज.
हो गया प्रोफेज, मेटाफेज। प्रोफेज का जो 3-5 पार्ट है उसमें से डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैचिटी, डाइप्लोटिन और डाइगेनेसिस, इसको भी आपको देखना है डायग्राम। लेकिन डायग्राम में किसी भी बनाया नहीं है, ये कैसे लोग रहे, इतना इम्पोर्टेंट चीज डायग्राम में नहीं बनाया कैसे सब्जेक्ट। मैं ही कोशिश करता हूँ। तो लिप्रोटीन के स्टेज में क्या हो गया, ये क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में दिखने शुरू हो गए, ये कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम दिखने शुरू हो गए। जाइगोटिन में क्या हो गया, अरे क्रोमोसोम बहुत ही अच्छे से दिख रहा है और ये एक क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम का, ये सेंट्रोमियर है बीच का जो है, फिर ये तीसरा क्रोमेटिड उसी क्रोमोसोम का और ये चौथा क्रोमेटिड। अब ये चारों क्रोमेटिड दिख रहे हैं एक एक क्रोमोसोम के, ये अच्छे से दिखते हैं, तो इसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं बायवेलेंट और टेट्रेड। और साथ में इसी टाइम पे क्या हो जाता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 13 है, तो इसके बिल्कुल बाजू में क्रोमोसोम नंबर 13 जो है वो फिर से आ जाएगा। मतलब ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम है ये बिल्कुल आजू बाजू में आके खड़े रहेंगे। तो ये अगर क्रोमोसोम 13 है तो उसके बिल्कुल बाजू में क्रोमोसोम नंबर 13 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ तो जंक्शन हो जाएगा, उसको बोलेंगे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों, तो ये बहुत ही बड़ा बनाया मैंने, लेकिन ये दोनों पास में आ गए। वैसे क्रोमोसोम 1 से लेकर 23 ऐसे सारे जो क्रोमोसोम है एक दूसरे के आजू बाजू आके खड़े हो जाएंगे और ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये है एक पेयर, ये दोनों मिला के एक पेयर है, क्रोमोसोम नंबर 13 और क्रोमोसोम नंबर 13, तो ये एक दूसरे के आजू बाजू आके खड़े हो जाएंगे। तो ये इसको बोलेंगे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और जो एक क्रोमोसोम के चार जो अलग अलग डिस्टिंक्ट चीजें हम देख रहे हैं पैर, तो हर एक इसको बोलेंगे क्रोमेटिड। और ये चारों जो बच्चे से दिख रहे हैं हमको, तो इसको बोलेंगे हम टेट्रैड। अब ये हो गया क्या चीज हो गया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और टेट्रैड। अब उसके बाद जो पैचिटिन में क्या होता है, पैचिटिन में हो गया क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या हो गया इधर का क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब ये जो जगह है जहां पे ये क्रॉस हो रहे हैं, एक क्रोमैटिड दूसरे क्रोमैटिड से क्रॉस हो रहा है, ये है क्रॉसिंग ओवर। अब ये एक दूसरे से जुड़ गए, तो ये जुड़ने से क्या हो गया, इधर का न्यूक्लियर मटेरियल इस क्रोमोसोम में चला गया और इधर का इस क्रोमोसोम का न्यूक्लियर मटेरियल दूसरे क्रोमोसोम में है। तो ये है क्रॉसिंग ओवर और इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि इधर उधर के जेनेटिक जो मटेरियल है ये क्रॉस ओवर हो गए। इस क्रोमोसोम का जो राइट साइड में क्रोमोसोम है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो लेफ्ट में चला गया और लेफ्ट का जो है वो राइट में चला गया, इसलिए हम हमारे मम्मी पापा से अलग दिखते हैं। क्यों, क्योंकि उनके जो गैमेट के सेल है ओवा और स्पर्म उसमें ये क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जिसकी वजह से हम हमारे मम्मी पापा के एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी नहीं है, हम अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल बदल गया है। हमारे स्पर्म में बिल्कुल सेम जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो जिससे पापा बने या मम्मी बनी, तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल बदल गए हैं, तो इसलिए हम आइडेंटिकल कॉपी नहीं है अपने माता पिता के।
क्योंकि कुछ जो ये क्रॉसिंग और जहाँ पे है वहां पे जीन्स बदल गए, तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये इसकी किसके वजह से होता है, एंजाइम रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैचेटी, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और क्रोमोसोम जो है वो क्रॉसिंग ओवर के साइड पे जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद डिप्लोटिन आता है। डिप्लोटिन में क्या हो जाता है कि ये जो इस प्लेस को बोलते हैं काइजमाटा, ये जो जुड़े हैं तो ये अलग अलग थोड़ा क्रोमोसोम होने जरूर हो जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे फिर भी जुड़ा रहता है, तो इसको बोलते हैं काइजमाटा। ये हो गया जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है, ये काइजमाटा है। और डिप्लोटिन स्टेज किसी किसी ओसाइट में बहुत सालों तक चलता है। और लास्ट है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो तोड़ जाता है वो बॉन्ड, और क्रोमोसोम फिर से अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड। फुल्ली कंडेंस्ड है और मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। तो जैसे माइटोसिस में वो स्पिंडल फाइबर वगैरह आते हैं ना साइट सेंट्रोमियर की वजह से, सेंट्रोमियर नहीं सेंट्रोसोम की वजह से, तो वैसे भी डायकेनेसिस में मेमायोटिक स्पिंडल आते हैं सेंट्रोसोम की वजह से। और ये जो काइजमाटा है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है वो वॉट, और ये दोनों क्रोमोसोम फिर से अलग अलग हो गए, लेकिन ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। तो अभी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया तो ये क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया तो ये क्रोमोसोम दिखेंगे ऐसे इस तरह से। हेलो सर, हेलो, इतना पार्ट उसका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, तो इतना पार्ट उस क्रोमोसोम का अलग है, क्योंकि सर डाउट था पार्ट ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आया है, बाजू वाले क्रोमोसोम से। हेलो सर, वो हेलो बोलो। हाँ बोलो। वो प्रहलाद को कुछ तो भी डाउट है, उसका आवाज नहीं आ रहा क्या आपको? प्रहलाद का आवाज तुमको आ रहा है क्या? हाँ मुझे बराबर आ रहा है सर, डाउट था। हाँ बोलना बोलना भाई। सर काइजमेटा टेट्राक और उसमें बाइवेलेंट, इसमें क्या डिफरेंट है? एक ही चीज है वो, एक ही चीज है ना? हाँ ठीक है सर। तो ये दोनों क्रोमोसोम का जो एक जो क्रोमेटिड है उस पे बदलाव आ गया है, ये इतने पार्ट पे बदलाव आ गया है, क्योंकि ये इसमें लेफ्ट साइड के क्रोमोसोम में राइट साइड का जेनेटिक मटेरियल जुड़ गया है, और राइट साइड के क्रोमोसोम में लेफ्ट साइड का जेनेटिक मटेरियल जुड़ गया है। और ये डायकाइनेसिस जब अभी ये दोनों अलग बाजू बाजू में हो गए है, और फिर अभी वो स्पिंडल फाइबर आएंगे और फिर ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे। तो ये खत्म हुआ डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन जायगोटीन पैचेटीन डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। मेटाफेज वन, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो मेटाफेज वन में क्या होता है, प्रोफेज खत्म हो गया, प्रोफेज के पांच सब स्टेज खत्म हो गया, उसका मेटाफेज हो गया। तो माइटोसिस में मेटाफेज में हमने क्या देखा था कि इक्वेटर पे आते हैं, तो वैसे सेम इसमें भी होता है कि जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आए, माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से अटैच हुए, तो ये यहाँ पे मेटाफेज देखो सेम है। माइटोसिस में जैसा है वैसे ही है कि ये दो सेंट्रोजोम है और वहां से स्पिंडल फाइबर निकले है, वो सेंट्रोमियर में अटैच होंगे, सेंट्रोमियर में किस जगह पे अटैच होंगे उस जगह को बोलते हैं काइनेटोकोर, जुड़ गए। फिर एनाफेज में क्या है, फिर से वो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, तो फिर क्रोमेटिड
ये दो दो क्रोमेटिन अरे सेंटर में तो जुड़े हैं, वो खींचे चले जाएंगे एनाफेज में और फिर टीलोफेज होगा। तो फिर क्या होगा, एनाफेज के बाद टीलोफेज में, टीलोफेज होगा जहां पे ये डीकंडेंसेशन होगा और साइटोकाइनेसिस होगा जिसमें दो सेल बन जाएंगे। तो एनाफेज वन में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन क्लोज एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर। फिर टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपेयर होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और दो सेल बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस टू। तो जो जो टाइम पीरियड है जिसमें मियोसिस टू और मियोसिस वन के बीच में समय बचता है, कुछ टाइम होता है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस में रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस के बाद क्या शुरू होता है, प्रोफेज वन। अब मियोसिस टू में प्रोफेज टू क्या है, इसमें फिर से क्या होगा, क्रोमोसोम फुल्ली एलोंगेटेड होंगे और अब माइटोसिस में जो भी सारा चीजें है वो फिर से होना शुरू हो जाएगा। मियोसिस टू में क्या हो गया, सेल फिर से एलोंगेटेड हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, गोल्गी एपरेटस डिसअपियर हो गए और ये जो न्यूक्लियोलस या क्रोमोसोम्स है ये कंडेंस होना शुरू हो गए। मेटाफेज में क्या होगा, फिर से इक्वेटर पे आ गए। एनाफेज में क्या होगा, फिर से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और लास्ट क्या हो गया, प्रोटीलोफेज में वो अलग अलग टुकड़े बन गए। लेकिन अब इसमें फर्क क्या हो गया कि ये चारों जो है वो हैप्लोइड बन गए। मियोसिस एंड्स विद टेलोफेज 2 इन व्हिच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोकाइनेसिस फॉलोइंग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइड ऑफ सेल्स कॉल्ड 4 हैप्लोइड डॉटर सेल। तो माइटोसिस जैसा ही मियोसिस के बाकी स्टेज है, सिर्फ प्रोफेज जो है, प्रोफेज वन वो अलग है। प्रोफेज वन में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जेनेटिक मटेरियल बदल जाता है और उसके बाद मियोसिस टू में चार डॉटर न्यूक्लिया बन जाते हैं हैप्लोइड वाले। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच क्रोमोसोम कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम इज अचीव्ड। ऑल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी बढ़ाता है पॉपुलेशन की, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। और दूसरा क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए वो पास ऑन होती है। तो यहां तक समझा क्या? जी सर। हाँ जी सर। ओके, तो थोड़ा इसको फिर से पढ़ लो, ऐसा लग सकता है मुश्किल है लेकिन सिंपल सिंपल चीजें, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और एक ही जैसे कंसेप्ट है माइटोसिस और मियोसिस में, सिर्फ इसका प्रोफेज अलग है मियोसिस वन का। तो इस पे सारे सवाल आते हैं कि ये किस फेज में दिखता है, कैसमेटा कहाँ दिखेगा, तो डिप्लोइड फेज में। बायवेलेंट क्रोमोसोम टेट्राहेड्रल कहाँ दिखेगा, तो जायगोटिन फेज में। सेनोटोमल कहाँ दिखेगा, जायगोटिन फेज में। पैचिटिन में क्या दिखेगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये इस तरह से सवाल आते ही रहते हैं। माइटोसिस समझ गया तो मियोसिस समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मान लो माइटोसिस जो है वो मियोसिस क्या है, वो दो बार माइटोसिस होता है ऐसा समझ लो, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव है। दो बदलाव क्या है कि माइटोसिस में जो डॉटर न्यूक्लियस है वो टोटली सिमिलर रहता है पैरेंट न्यूक्लियस से, लेकिन मियोसिस में वो सेम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गया है और रिकॉम्बिनेशन हो गया है,
क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल बदल गया है, तो इसलिए डॉटर सेल का जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल के इससे सेम नहीं है। और दूसरा क्या हो गया, उसमें एक डिप्लॉयड से दूसरे दो डिप्लॉयड बन रहे थे तो वो सेम सेम था, इसमें क्या हो रहा है एक डिप्लॉयड से चार हैप्लॉयड बन रहे और वो सेम नहीं है, तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए। तो अभी इस तरह से तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया और तुम्हारे पांच चैप्टर्स खत्म हो गए, तो एक दिन छुट्टी देकर, आज कौन सा दिन है रे, फ्राइडे है, सैटरडे क्या, फ्राइडे फ्राइडे, तो संडे को टेस्ट ले फिर। हाँ सर चलेगा, कल छुट्टी दे देंगे और संडे को टेस्ट लेंगे, चलेगा। तो पांच चैप्टर है, पहले दो और ये तीन, कौन से विधा था सर, बता टेस्ट कैसे होगा ये समझ नहीं आया मेरे को, क्या क्या टेस्ट कैसे होगा ये समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया टेस्ट कैसे होगा, मैं बताती हूँ। हाँ ये विधा था, बता दे क्या होगा। ठीक है, तो टेस्ट में तुमको एक लिंक मिलेगी या पीडीएफ में मिलेगा, तुम लोग जुड़ गए हो सारे वो ग्रुप में, प्रहलाद को ऐड नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन उसको उसको ऐड करने के लिए जब भी जाते हैं ना तो फिर वो उसका कुछ तो भी प्राइवेसी का आता है, सबको कर दिया, सिर्फ यही एक है जो नहीं हो पा रहा उस पे ज्वाइन। भाई प्रहलाद तुम्हारी प्राइवेसी को चेंज कर दो या फिर अच्छा, हाँ सर, हाँ 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 एनोनिमस को मैं वो किया हूँ, ठीक है मैं उसको करता हूँ। और वो राहुल भैया को मैसेज करो, तुम्हारे पास नंबर है ना, वो क्या नाम है उसका, मेघ, उसके पास है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें पीडीएफ में कोई क्वेश्चंस आएंगे या फिर गूगल फॉर्म में कोई क्वेश्चन आएंगे, तुमको तो पता है कि चीटिंग नहीं करनी है, चुपचाप अपना सॉल्व करना है, एक टाइम रहेगा और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग क्वेश्चन, क्या क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। ठीक है जी सर, चलो अच्छे से देना, पहले दो चैप्टर और ये अभी के तीन चैप्टर, तो लेकिन बढ़िया। सर संडे का टाइमिंग क्या होगा, मॉर्निंग 8 बजे, या तुमको शाम को रखना है टेस्ट, तुम्हारे हिसाब से बताओ, मैं टेस्ट तो रेडी रखूंगा, तुमको जब देना है दे सकते हैं, कौन से टाइम पे देते हो सर, शाम को, शाम को चाहिए, शाम को कितने बजे विदाता, शाम को कब रहेगा टेस्ट, मतलब कौन से टाइम फ्री रहेगा, हाँ विधाता शाम को कब फ्री रहेगा, सर इवनिंग को लो, हाँ कितने बजे, चार पांच या चलेगा, ठीक होगा 6 बजे से, 6 बजे जी सर, ठीक है मनोज ने बोला 6 बजे, तो 6 बजे ठीक है, संडे को 6 बजे फिर टेस्ट रहेगी 5 बजे पे, अच्छे से पढ़ के आना, एमसीक्यू सॉल्व करना और हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर 70 के ऊपर स्कोर करना है सबको, 70 मार्क के ऊपर, ठीक है, मतलब कितने मार्क की रहेगी सर, वो सब सरप्राइज है तुमको उस दिन पता चलेगा। नहीं सरप्राइज मत दो, हमें नहीं पसंद वो, कोई बात नहीं, मैं सरप्राइज दे दूंगा थोड़ा सा तुमको।